हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिचौलियों के बीच पिसकर रह गया गरीब जनता का राशन। जी हां, गांव धनौंदा के राशन डिपो का जो मामला सामने आया है उससे ऐसा ही लगता है कि सरकार के हर घर तक राशन पहुंचाने की योजना केवल एक कल्पना बनकर रह गई है। राशन डिपो के सामने लगती लंबी लंबी कतारें और इन कतारों में खड़े लोगों की वही पुरानी उलझने, राशन मिलेगा या नहीं, क्या कुछ नया बहाना होगा राशन डिपो होल्डर्स का, क्या गरीबी पर सरकार के राशन की रोटी सिक पाएगी, क्या घंटों उम्मीद कर इंतजार में लगती लोगों की कतारें वर्षों से आ रही समस्या में कोई सुधार देख पाएंगे, इन्हीं कुछ सवालों के साथ आधारित है हमारी आज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रमन सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट। मामला है धनौंदा राशन डिपो का, जहां मंगलवार देर शाम टाटा 407 में अवैध बिक्री के लिए डिपो का राशन भरते हुए का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद हरियाणा अपडेट की टीम जब गांव पहुंची और पूरी जानकारी जुटाई तो पता चला कि धनौंदा राशन डिपो या आम भाषा में कहे धनौंदा गांव की राशन की दुकान, जहां बीपीएल बीपीएन धारकों को सरकारी दामों पर निर्धारित राशन दिया जाता है, किंतु ग्रामीण बजरंग बिजेंद्र भरपूर, फूल सिंह, प्रेम देवी, महेंद्र, ओम प्रकाश, सजनी देवी और प्रमोद व लाला राम सहित अन्य ग्रामवासियों ने डिपो से जुड़ी जानकारी दी तो पता चला कि डिपो होल्डर्स राजपाल और राज सिंह बीपीएन बीपीएल धारकों को ना तो समय पर राशन दे रहे हैं और ना ही पूरा राशन। कुछ धारकों का कहना है कि उन्हें तीन तीन चार चार सालों से ना तो राशन मिला है और ना ही एक बार जमा करवाने के बाद वापस उनका राशन कार्ड वापस मांगने पर नए नए एक्सक्यूज देकर लोगों को गुमराह किया जाता है। कभी पर्याप्त राशन का न होने का बहाना लगाकर धारकों को वापस कर दिया जाता है और या कभी इंटरनेट स्लो का बहाना लगाकर धारकों को वापस भेज दिया जाता है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि डिपो धारक प्रत्येक माह उनके अंगूठे तो ले लेते हैं किंतु राशन नहीं देते। धारकों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि डिपो होल्डर्स व संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी मिली भगत कर उनके राशन को बेच देते हैं। ग्रामीण बजरंग ने डिपो होल्डर्स की तानाशाही छवि को साफ करते हुए बताया कि एक तो उन्हें राशन पूरी मात्रा में नहीं दिया जाता, ऊपर से उनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं, राशन न होने का बहाना कहकर बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। और गौर करने की बात यह है कि सरकार जो सरसों का तेल धारकों के लिए भेजती है वो तेल आज तक किसी भी ग्रामीण को नहीं मिला है। खाद्य पूर्ति विभाग से ग्रामीणों ने जांच की मांग की है और डिपो के राशन को वापस जाने से ग्रामीणों में रोष है। कई महीना हो गया, कई महीने हो गए, सभी को एक ही प्रॉब्लम है क्या? हाँ, यह है प्रॉब्लम। पर दे कोन्या और गी उन दे तो बाजरो ना दे, बाजरो दे दे तो गी ना दे। सब आना एक दिन तेल दे हो सर। हाँ जी, सब आना एक दिन तेल दे हो सर। नु कहो जाओ नार रोड राशन ना दे। हाँ जी, मेरे राशन कार्ड था तुम्हारे में लेने के जे राशन वाले को ने मिला तेरे राशन नार नौ जाते किसी का कुछ भी ना हुआ। हाँ, क्या नाम है आपका? बजरंग। राज। राशन दिसंबर में 2 किलो मिला था और जनवरी में 3 किलो गुठा टेक लिया पूरा। तेल तो दिया ही हमने, याद ही को नहीं कद दे है, कद 4 महीना में एक बार दिया। पीला ना जी, ना शिकायत हमने, शिकायत कोई सुने ही को नहीं। कहाँ तक हूँ जा तो नहीं, कितने जाओ वो तो या कह सर आओ ही को नहीं बोलो राशन। क्या नाम है? सोनू नाम है जी मेरा। क्या मामला था शाम को? जी हम खेलने गए ग्राउंड में, जब गाड़ी लगा कर बाजरा लोड कर रहे थे। कौन? राजपाल और कोटे वाला। और हम जाते हैं तो राशन नहीं देता, नहीं गुट्ठा लगा देता। कई बार कागज दे दिया हमने राशन कार्ड को भी, करते हो फूड सप्लाई विभाग से कोई आया? ना, आया था एक राउंड राउंड आया था। हाँ, मैंने मैग ले जा रहा हूँ, ये ऊँचा आया गया। क्या बोला वो? उन्होंने कहना उसे मैं ऑफिस में ले जाऊँगा ये। हाँ राहुल बोला? हाँ राहुल बोला, ये फोन में देख के मैसेज आया, ये उठे जाएंगे उल्टा।
फिर हमने वीडियो बना ली इसकी, राहुल की, राहुल की नहीं बनाई उसकी बना ली, वो भीतर बढ़ गया, उसने फ़ोन करके राहुल बुलाया और धमकाने लगा, नून के मेरा नौकर वाले पाड़ लेगा, तेरा बाप का ले रखा, तेरा लेखा रखा है बस, मेरा तो हरियो तो कौन सी गाड़ी में लोड कर रहे थे? टाटा 407 थी गाड़ी के नंबर 4466 बी थी किसी थी 5832 लोड कर रखे दाम वीडियो। फिर से नाम है अनुमदा थे यहाँ मुझे नाच दाना दे कौन नहीं है ये राज राजपाल भी नहीं देता, दूसरा वाला राजपाल दोनों ही नहीं देते। कैसा कार्ड आपका राशन कार्ड कैसा है जी? ये नॉर्मल है हमारा, ये एपीएल एपीएल दोनों आदमी कोई कार्ड नहीं राशन नहीं देते। वो कल हमारे नाते में दादाजी लगते हैं, उनके पास तीन आदमी गए हैं, तो वो मेरे से सुबह हम सीख रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा आके अगर मेरे पास आदमी आए थे और वो उन्होंने कह रहे थे उसको 5-4 बोरी दे देंगे और राजीनामा करवा दे मेरा, फिर मैं उससे कही कि तू 50 लाख रुपए देना तो भी राजीनामा नहीं करूँगा मैं। हमारे दादाजी फिर बुद्याल हैं, उन्होंने मेरे को नाम नहीं बताया उन आदमियों का, लेकिन उनके पास आए थे वो, रात को गए थे ये, उन्होंने सुबह हम यहाँ सीख रहे थे, मेरे पास इधर ही आके उन्होंने कहा मेरे से, अब उन्होंने बोले बोरी डाल देंगे उसको समझा दे सीमेंट वापिस ले ले अपनी, ये बोला उन्होंने। आपने सीमेंट लगा रखा? हाँ, सीमेंट मैंने लगा रखी है। हाँ जी, धान राशन से जुड़ी धांधली जैसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा अपडेट।